ये आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां पर सदन की कार्रवाई जारी है। होता है और जो उपभोक्ता राज्य है जहां पर ये विक्रय होता है केवल टैक्स उनको मिलेगा। 15-16 में एक उन्होंने निर्धारित किया था कि 15-16 को बेस बनाकर जो इनकम प्राप्त होता था उस समय वो बेस बनाकर 14% अधिक के हिसाब से राज्यों को उसकी क्षतिपूर्ति जीएसटी के मुताबिक दी जाती है। इसके पहले वैट था जो हाई कोर्ट से क्वेश हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। मंत्री जी ये तो दे रहे हैं कि जीएसटी के बाद हमको नुकसान नहीं हो रहा है, पर जीएसटी लागू करने के पहले साल में हमको कितना नुकसान हुआ ये तो बता दो आप। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी प्लानिंग के साथ सारे सीमेंट प्लांट वाले सीमेंट का उत्पादन कम करते हैं, क्लिंकर बना करके प्रदेश को ज्यादा बाहर भेजते हैं, इससे लंबे समय तक हमको राजस्व की हानि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी लागू होने के बाद भी स्टॉक ट्रांसफर पर कोई टैक्स नहीं है, ये नीति हमारी नहीं है, इन्हीं के लोगों द्वारा बनाई गई पहले। माननीय अध्यक्ष जी, जीएसटी जो लागू हुआ ना उसमें सारे प्रस्ताव सर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं स्वराज संवाददाता आशीष तिवारी रायपुर से। आशीष, जिस तरह देखा जाए कि विधानसभा की कार्रवाई जारी है और इस वक्त उच्च शिक्षा विभाग से भी जुड़े कई सवाल पूछे गए, यूनिवर्सिटी को लेकर भी सवाल किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस मामले में? देखिए, फिलहाल सीमेंट प्लांट से जुड़ा हुआ सवाल बीजेपी के जो विधायक है श्रीकांत शर्मा वो उठा रहे हैं और मंत्री, क्योंकि उद्योग मंत्री को जवाब देना था लेकिन मंत्री यहाँ पर सदन मौजूद नहीं है, इसलिए मोहम्मद अकबर जो वन मंत्री हैं वो उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस सवाल के पहले सदन में काफी गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिली जब कांग्रेस के विधायक चंद्रदेव राय का एक सवाल उद्योग विभाग से जुड़ा था और मंत्री गैर मौजूद थे। उन्होंने इसके जवाब के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर को अधिकृत किया था और इसे ही एक मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी के विधायकों ने की इस दलील के साथ कि बजट सत्र के दौरान भी जब उद्योग मंत्री कवासी लखमा के बोलने की बारी आई थी बजट भाषण की तब भी मोहम्मद अकबर ने बजट भाषण दिया था और जब जब सदन में उद्योग से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब कोई फिगर मंत्री देता है। इस पर गहरी नाराजगी जताई है विपक्षी सदस्यों ने, खासतौर पर बीजेपी ने, और मांग की है कि उद्योग मंत्री ही सदन में जवाब दें। हालांकि मोहम्मद अकबर ने जब जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नियमानुसार अधिकृत किया गया है, लेकिन लगातार जब से कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई है और विधानसभा के सत्र चल रहे हैं तब से उद्योग विभाग के मंत्री की हैसियत से कवासी लखमा से जब जब सवाल पूछे जाते रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी सदन में रही है और इसे ही बीजेपी ने मुद्दा बनाने की पुरजोर तरीके से कोशिश की है। आसंदी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा लेकिन सदन में काफी हंगामे की स्थिति आ गई और सत्ता पक्ष के दलीलों के बीच बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने सदन की कार्रवाई से बहिर्गमन भी कर दिया। लेकिन फिलहाल बीजेपी के विधायक सदन में लौट आए हैं और प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने का सिलसिला जारी है। उद्योग विभाग से जुड़े की सवाल बीजेपी के विधायक चेतन शर्मा पूछ रहे हैं जिनका जवाब मोहम्मद अकबर दे रहे हैं। क्या लगता है आशीष, जिस तरह देखा जाए कि आज प्रेम साय सिंह टेकाम और साथ में मोहम्मद अकबर के भी प्रश्नों को पटल पर रखा जाना था तो उनके प्रश्न जब पटल पर रखे गए तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? जिस तरह आपने बताया कि अभी उनके जो जवाब है वो भी पूरी तरीके से नहीं आए और दूसरा विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखिए, प्रश्नोत्तरी में अलग अलग विभागों से जुड़े प्रश्न पूछे जाने का सिलसिला है और यही परंपरा भी है। प्रश्न के सदस्यों से उठाए प्रश्नों का जवाब मंत्री देते हैं अलग अलग योजनाओं को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर ये प्रश्न विधायक की ओर से पूछे जाते हैं। फिलहाल प्रश्नकाल चल रहा है लेकिन जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होगा बीजेपी एक बड़ा मुद्दा उठाने जा रही है इस सदन प्रस्ताव के जरिए और ये मुद्दा होगा दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की माओवादियों ने जिस तरीके से हत्या की थी उसे लेकर। और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो सदन में सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की है कि रूलिंग पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस विधायक को सुरक्षा नहीं दे पाई नक्सल इलाकों में, वो भी तब जब छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी जैसी घटना घटने के बाद जनप्रतिनिधि की सुरक्षा को लेकर सरकार सचेत हुई है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे सदन में आज बीजेपी उठा सकती है और इस मुद्दे पर जमकर हंगामा मचने के आसार भी नजर आ रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए।